गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, समर्पण की क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हमने लास्ट वीडियोज में पढ़ा था वॉइस के बारे में, और वॉइस के बारे में मैंने आपको जो रूल्स लिखाए थे मैंने आपको लर्न करने के लिए कहा था, और जस्ट इसके आगे मैंने आपको ये पढ़ा भी दिया था कि प्रेजेंट इंडेफिनेट का पैसिव कैसे बनाया जाता है। आओ आज अपन प्रेजेंट इंडेफिनेट के कुछ जो रूल और हैं, जैसे कि डब्ल्यू एस सेंटेंस को या फिर हु वाला सेंटेंस आ जाए तो उसको कैसे चेंज करते हैं, पहले उनको देखते हैं, और उसके पश्चात मैंने आपको बताया था कि हम कंटिन्यूस टेंस का भी पैसिव पढ़ेंगे, तो आज अपन प्रेजेंट कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस भी पढ़ेंगे। आओ पढ़ते हैं। तो यह है अपने पास में वॉइस। तो वॉइस में हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनेट का, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट के हमने कौन कौन से वाक्य पढ़ लिए थे, एफिर्मेटिव, निगेटिव, इंटेरोगेटिव, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है डब्ल्यू एच इंटेरोगेटिव। तो हम पढ़ेंगे आज डब्ल्यू एच इंटेरोगेटिव सेंटेंस, डब्ल्यू एच इंटेरोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। आपको मैंने नियम रूल नंबर 8 के बारे में बताया था, रूल नंबर 8 क्लियर करना, तो देखिएगा। एग्जाम्पल फर्स्ट, वाही डज, वाई डज राम ईट मैंगो, और क्वेश्चन है मार्क। अपने पास में जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में अपन देख सकते हैं कि अब की बार जो क्वेश्चन मार्क भी लगा था, सेंटेंस केवल यानी इंटरोगेटिव नहीं है, अब की बार इंटरोगेटिव के साथ में डब्ल्यू एच वर्ड और जुड़ा हुआ है। तो अपन देख लेते हैं उत्तर कैसे देंगे। डब्ल्यू एच वर्ड के नीचे हमेशा के लिए यूज करना है डब्ल्यू एच वर्ड, डब्ल्यू एच वर्ड के नीचे हमेशा के लिए ऑलवेज यूज क्या करना है, डब्ल्यू एच वर्ड। अब हमें मिल रहा है डज, तो डज के नीचे डायरेक्टली कैसे लगा दें कि इज लगेगा, आर लगेगा, एम लगेगा, हमें पता ही नहीं है। सबसे पहले चेंज करेंगे अपन राम को, राम सब्जेक्ट है, राम सब्जेक्ट किस पर जाएगा, मैंगो पर, और मैंगो किस पर आएगा, राम पर, तो यहां पर आएगा मैंगो, एम ए एन जी ओ मैंगो। अब ये मैंगो है ये सिंगुलर है या प्लूरल, मैंगो सिंगुलर है तो डज के नीचे आएगा इज, तो वाई के नीचे वाई, डज के नीचे इज आ गया, राम के नीचे मैंगो। अब आ गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसको अपन पैसिव वॉइस बनाते हैं, इसमें कौन सी फॉर्म में बदलते हैं, थर्ड फॉर्म में। फिर अपने पास में आ गया मैंगो, मैंगो किसकी जगह चला गया, राम की जगह, तो राम किसकी जगह जाएगा, मैंगो की जगह, यहां पर जाएगा भाई राम, और अंत में क्या लग जाएगा, क्वेश्चन है मार्क। एक एग्जांपल और देख लेते हैं अपन, सेकंड एग्जांपल है हाउ डू यू सॉल्व दिस पजल, क्वेश्चन है मार्क। आंसर देते हैं हाउ डब्ल्यू एच वर्ड है तो इसे डब्ल्यू एच वर्ड के नीचे इसे कैसे सेट कर देते हैं। आया अपने पास में डू, अभी मैंने आपको बताया था सबसे पहले अपन डू डज को नहीं बदल सकते, इसलिए अपन सबसे पहले यू को बदलेंगे, यू सब्जेक्ट है किस पर जाएगा, दिस पजल पर, दिस पजल ऑब्जेक्ट है किस पर आएगा, यू पर, तो यहां पर यू के नीचे क्या आ गया, दिस पजल, दिस पजल, दिस पजल एक वचन है, बहुवचन यानी सिंगुलर है तब तो क्या लगाएंगे इज, और प्लूरल तो क्या लगाएंगे आर, तो ये एक वचन है सिंगुलर है तो अपन क्या यूज कर देंगे इज, हाउ के नीचे हाउ, डू के नीचे इज, यू के नीचे दिस पजल, सॉल्व वर्ब है इसकी कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म, तो यहां पर अपने पास में हो जाएगा सॉल्वड, क्या हुआ सॉल्वड, फिर अपने पास बच गया दिस पजल, दिस पजल किसके स्थान पर, यू के स्थान पर, तो इसको इधर ले आते, यहां पर हो गया बाई यू, और ये अंत में क्वेश्चन है मार्क। ये है अपने पास में जो सेंटेंस है, ये कौन से सेंटेंस है, डब्ल्यू एच इंटेरोगेटिव। अब डब्ल्यू एच इंटेरोगेटिव में अपन लगभग सभी सेंटेंस को क्लियर कर लेते हैं, लेकिन एक सेंटेंस अपने को थोड़ा कंफ्यूज में डालता है, और वो वाला है हु का, तो इसे कहते हैं रूल ऑफ हु। तो हु का सेंटेंस अपन कैसे सेट करेंगे, तो इसके लिए मैं आपको सबसे पहले फॉर्मूला बताता हूं, बाई हुम, बाई हुम, सबसे पहले हु की जगह पर नीचे लगेगा, क्योंकि इसमें कर्ता है उसका हमें पता ही नहीं होता कर्ता कौन है, क्योंकि कौन तो हमें पूछा ही जा रहा है कि किसने किया, कौन किया, ऐसे पूछ रहा है, किसने लिखा, कौन पढ़ा, ये पूछ रहा है, तो बाई हुम इसी के नीचे लगा देंगे, कर्ता को क्या बना देंगे कर्म। फिर इसके बाद में अपन हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे यदि सेंटेंस में,
आवश्यकता पड़ी। प्लस इसके बाद में अपन लगाएंगे यहां पर ऑब्जेक्ट, क्या लगाएंगे ऑब्जेक्ट जो यहां पर सब्जेक्ट का रूप लेगा, फिर यहां पर अपन लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर यदि एक्सट्रैक्ट यदि कोई सेंटेंस बच रहे तो वो, और फिर अंत में क्वेश्चन है मार्क। तो ऐसे ये इसका एक फॉर्मूला है और फॉर्मूले से अपन इसको क्लियर भी करते हैं। आओ एग्जाम्पल सीखते हैं, इसका एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, हु चेज यू, क्वेश्चन का मीन है आपका पीछा किसने किया, या आपका पीछा किसने किया। तो हमें तो पूछ तो यही रहा है कि आपका पीछा किसने किया, तो प्रेजेंट टेंस है। अब हु के नीचे अपन लगा देंगे बाय होम, क्या लगाया हमने बाय होम। अब ये बाय होम ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनेट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पता चल रहा है प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो अपन यहां पर इज एमआर का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर यू को इधर लाएंगे, यू इधर लाएंगे तो क्या लगेगा आर, क्या आएगा आर यू चेज, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म इसके आगे लग जाएगी, अंत में क्वेश्चन है मार्क। मुझे पता है थोड़ा कंफ्यूज हुए हो आप कि किसको कैसे बदल दिए, तो बता देते हैं हु, हु के स्थान पर क्या आ गया भाई होम, हु के स्थान पर क्या आ गया बाई होम, फिर अपने पास में आ गया चेज, चेज को बदलने के लिए हमने बदल दिया आर चेज्ड में, किस में बदल दिया आर चेज्ड में, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनेट को प्रेजेंट कंटिन्यूस में बदलेंगे, तो प्लूरल है तो आर लग गया, प्लूरल है तो क्या लग गया आर लग गया, और चेज को बदल दिया चेज्ड में, आंसर क्लियर है। एक एग्जाम्पल और देखो, सेकेंड एग्जाम्पल है हु राइट से इट, क्वेश्चन है मार्क, क्वेश्चन देगा हु राइट से इट, तो अपन बना देते हैं इसको हु के नीचे लगा बाय होम, हु के नीचे लगा बाय होम। अब अपन प्रेजेंट इंडेफिनेट है, राइट्स बाकायदा आप देख सकते हैं, इसमें राइट्स था, इसमें क्या था केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहां पर लगा बाय होम, हु के नीचे इसके नीचे लगाएंगे तो अपन इट के आधार पर आएगा इज इट, बाय होम इज इट, राइट की कौन सी फॉर्म आएगी थर्ड फॉर्म, तो यहां पर लग जाएगा थर्ड फॉर्म रिटर्न, और लास्ट में लगेगा क्वेश्चन है मार्क। ये है अपना रूल, कौन सा रूल था प्रेजेंट इंडेफिनेट के डब्ल्यू एस सेंटेंस को और हु वाले सेंटेंस को चेंज किया जाता है इस रूल्स के माध्यम से। आओ हम नेक्स्ट रूल देखते हैं, वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस। कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस बनाते समय हमने कौन सा रूल्स किसको कौन से टेंस में चेंज करते हैं, तो वो आपको बता दें, वापस लिख रहा हूं मैं, जैसे कि हमने पहले लिखा था इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी इस टेंस में पहले से लगा होगा एक्टिव वॉइस में। पैसिव बनाते समय जिसमें अपन चेंज करेंगे, यदि पैसिव बना रहे हो तो इज एम आर में परिवर्तन इसमें नहीं हो सकता, तो इज एम आर को यहीं पर रख दिया जाएगा। इज एम आर प्लस आई एन जी को हम वर्ब में से अलग करते हैं तो ये हो जाएगी बीइंग, प्लस वर्ब बच जाती है, तो वर्ब की हमेशा पैसिव बनाते समय थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। ये वाला फॉर्मूला क्लियर हुआ, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एफिर्मेटिव सेंटेंस है जैसे रोहित इज, रोहित इज प्लेइंग, रोहित इज प्लेइंग क्रिकेट टुडे। अब जो सेंटेंस है इसमें रोहित के जस्ट नीचे अपन क्या यूज करेंगे, जैसे कि उसमें यूज किया था वही नियम इसमें लेना है कि मेरे नीचे मेरा पद यूज करो। तो देखो रोहित सब्जेक्ट है, इज अपने पास में हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी,
ये ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट किसके नीचे गया, रोहित के नीचे, और रोहित इसके नीचे आ जाएगा, तो यहां पर बना सी आर आई सी के ई टी क्रिकेट। इज के नीचे अपन इजेमार में से यूज करेंगे क्योंकि इजेमार को इजेमार में ही रखा है, तो यहां पर रोहित एक वचन था इसलिए क्या लगा दिया थी सिंगुलर की वजह से इज, तो क्रिकेट अपने पास सिंगुलर है तो अपन क्या यूज करेंगे इज, तो क्रिकेट इज। अब क्या है ये लग गया, अब अपने पास में आई एन जी, ये रहा आई एन जी, इसको अलग करेंगे क्या लगाएंगे बीइंग, तो बी ई आई एन जी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, एक बार देख लीजिएगा। क्रिकेट रोहित के नीचे, इज के नीचे इज सिंगुलर सिंगुलर होने की वजह से इस प्लेइंग में से आई एन जी को लिख के, तो बीइंग प्लस प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड। सेंटेंस में क्या बच गया, अब क्रिकेट जो इधर आ गया, अब ये रोहित इधर आएगा तो यहां पर आएगा बाई रोहित, बाई रोहित टूडे, ये आंसर क्लियर हुआ। तो क्वेश्चन क्या था, रोहित इज प्लेइंग क्रिकेट टूडे, पेशिव बन गया इसका, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय रोहित टूडे। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, यू आर नॉट, यू आर नॉट, यू आर नॉट कैचिंग हिम। अब की बार सेंटेंस अपने पास में कौन सा है, नेगेटिव सेंटेंस, किससे पता चला, नोट से, चलो चेंज कर लेते हैं। यू अपने पास में क्या है सब्जेक्ट, आर हेल्पिंग वर्ब, नोट निगेटिव, कैचिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आई एन जी, हिम ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट किसके नीचे आया यू के नीचे, तो हिम को बदले से क्या बन गया ही। आर के नीचे इज, क्योंकि ही क्या है एक वचन सिंगुलर है इज लगा, नोट के नीचे नोट, आई एन जी को लग किए तो बींग, कैच की थर्ड फॉर्म है काट, यू के नीचे ही, आर के नीचे इज, नोट के नीचे नोट, आई एन जी को लग किए तो बींग, कैच की थर्ड फॉर्म काट, हिम के नीचे बाई, और यू को इधर लेके तो यू का यू, और सेंटेंस कंप्लीट। यह है आपका नेगेटिव सेंटेंस। अब अपन बात करें इंटेरोगेटिव की, तो यह है अपने पास में इंटेरोगेटिव सेंटेंस, आर ए दे रीडिंग, आर दे रीडिंग स्टोरीज, क्वेश्चन है मार्क, समझ लेते हैं। आर हेल्पिंग वर्ब, दे सब्जेक्ट, रीडिंग मेन वर्ब प्लस आई एन जी, स्टोरीज ये क्या है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट किसके नीचे आएगा दे के नीचे, दे बहुवचन है आर लगा था, स्टोरीज बहुवचन है आर ही लगेगा, आर स्टोरीज, दे बहुवचन आर लगा हुआ है, इसको पेशिव में बदलेंगे तो सब्जेक्ट के नीचे ऑब्जेक्ट आया, ऑब्जेक्ट क्या है स्टोरीज, ये भी बहुवचन तो आर का आर रहा, आई एन जी को अलग किए तो बीइंग, रीड की थर्ड फॉर्म है रीड, यहां पर स्टोरीज है अपने पास, स्टोरीज को अपन चेंज करते हैं किसमें सब्जेक्ट में, और सब्जेक्ट के स्थान पर क्या जाएगा स्टोरीज, तो ये ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा अपने पास में दे, तो दे को इधर ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा बाई देम, और अंत में क्वेश्चन है मार्क। यह है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब अपन देखते हैं इसी सेंटेंस का डब्ल्यू एच इंटेरोगेटिव, वाई आर यू, वाई आर यू गोइंग टू मार्केट, क्वेश्चन है मार्क, एक बार क्वेश्चन को पढ़ो, वाई आर यू गोइंग टू मार्केट, वाई आर यू गोइंग टू मार्केट, वाई के नीचे वाही क्योंकि डब्ल्यू एच वर्ड है, अपनी जगह यथावत रहेगा, आर हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट है, गोइंग टू वर्ब है, और मार्केट ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट किसके नीचे आएगा मार्केट यू के नीचे, तो यू के नीचे मार्केट है, तो मार्केट एक वचन तो हमने लगा दिया इज, तो वाई इज मार्केट, आई एन जी को लिखिए तो बींग, गो की थर्ड फॉर्म गोन,
टू प्रीपोजिशन है यथावत अपने स्थान के नीचे टू का टू। ध्यान दें, यदि टू प्रीपोजिशन लग रहा हो पहले से तो अपन वहां पर बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। तो टू यू और लास्ट में लग जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी क्वेश्चन मार्क अंत में लग जाएगा। एक बार वापस देख लो, वाई के नीचे वाई, आर के नीचे इज, यू के नीचे मार्केट, गोइंग के नीचे बीइंग गॉन, टू के नीचे टू और मार्केट के नीचे यू। आंसर कंप्लीट। अब है अपने पास में लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। हु इज चीटिंग मी, हु इज चीटिंग मी। अब सेंटेंस का आंसर देखते हैं अपन। हु के नीचे लगेगा बाई होम, हु के नीचे क्या लगेगा बाई होम, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था। अब इज एम आर के नीचे इज एम आर अपने को लगाना है, तो अपन देख लेते हैं यहाँ पर आएगा एम, यहाँ पर आएगा एम, ये आई इधर आ जाएगा, तो बाई होम एम आई, बींग बी ई आई एन जी बींग, और सी एच ई ए टी ई डी चीटेड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो अपना क्वेश्चन क्या बना, बाई होम एम आई बींग चीटेड, ये अपना आंसर है बना। इस प्रकार से यदि अपन पॉइंट को क्लियर करते हैं तो ये बन जाता है अपना प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस। और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस हम क्लियर करते हैं तो अपने पढ़ लिया अब तक प्रेजेंट इंडेफिनेट का और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव वॉइस के साथ। थैंक यू।